रक्षाबंधन आने वाली है तो मैंने सोचा बाजार से नहीं घर पे ही बनाई जाए बहुत टेस्टी सी मिठाई। इसके लिए मैंने ली है शक्कर और बादाम। अब हम इसे अच्छी तरीके से पीस के एक पाउडर बनाएंगे। अब एक बाउल में हम लेंगे नारियल का बूरा, 2 चम्मच जो हमने अभी पीसा हुआ पाउडर था शक्कर और बादाम का, और मिल्क पाउडर 1 कटोरी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पीसी हुई इलायची और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के मलाई और फिर से हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मलाई के साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से ऐसा मिक्स हो जाए तो हम डालेंगे इसमें कोई भी कलर का फ्रूट कलर। आज मैंने मिठाई बनाने के लिए ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। इसे मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है और मैंने अब इसे डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। तो ये मिठाई का नाम है नारियल के लड्डू, वो भी बादाम के फ्लेवर के साथ। तो अब हम इस डो से थोड़ा थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथों में दबा के एक बहुत ही स्मूथ लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे। देखिए मेरा दूसरा लड्डू भी तैयार हो चुका है। अब हम सारे लड्डू को इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम कटोरी में ले लेंगे 1 चम्मच नारियल का बूरा और ये जितने भी लड्डू हमने बनाए हैं उसके ऊपर हम करेंगे नारियल की गार्निशिंग। गार्निशिंग होने के बाद ये लड्डू और भी टेस्टी दिखेंगे और खाने में तो एकदम मज़ेदार लड्डू है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आपके परिवार को ये लड्डू कैसे लगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी यमी यमी रेसिपीज़ के लिए।